डियर नीट स्कॉलर्स, आज हम डिस्कस करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के कुछ क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं थोड़े से। सबसे पहले ये डायग्राम बताएं किसका है आप, ये डायग्राम किसका है पहचानिए, ये कौन साइंटिस्ट हैं? हर्बर्ट बोयर, इस साइंटिस्ट का नाम है हर्बर्ट बोयर। हर्बर्ट बोयर ने फर्स्ट टाइम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को रिपोर्ट किया था। आपने पढ़ा होगा कि हर्बर्ट बोयर और स्टैनले कोहेन ने फर्स्ट टाइम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को रिपोर्ट किया था। नेक्स्ट डायग्राम डिस्कस करते हैं, इस पर ये देखिए डायग्राम है, ये डायग्राम पहचानी किसका है, पीसीआर, ये डायग्राम है पीसीआर का। पीसीआर में ये जो पहली स्टेप जिसमें मैंने पेन रखा है, पेन से इंडिकेट कर रहा हूँ, ये कौन सी स्टेज है, ये स्टेज कौन सी है, एनीलिंग, और ये वाली स्टेज कौन सी है, एक्सटेंशन, एनीलिंग एक्सटेंशन, और जो सबसे पहली स्टेज होती है कौन सी होती है, डीनेचुरेशन। तो पीसीआर में तीन स्टेप्स हैं, डीनेचुरेशन, एनीलिंग और एक्सटेंशन। गुड, आप बताएं जिस पे मैं पेन रख रहा हूँ इसका नाम क्या है, इसे ओलिगोन्यूक्लियोटाइड कहते हैं और इसको यूज़ करते हैं आरएनए प्राइमर के रूप में। आरएनए प्राइमर के रूप में पीसीआर में ओलिगोन्यूक्लियोटाइड को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दो बायोरिएक्टर हैं, ये पहला बायोरिएक्टर है, ये दूसरा बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर में हम रॉ मटेरियल को बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले वाले बायोरिएक्टर का नाम बताएं, सिंपल, जिसको मैंने पेन रखा है इसका बताइए, सिंपल स्टिर टैंक बायोरिएक्टर, सिंपल स्टिर टैंक बायोरिएक्टर। और ये बाद वाला ही कौन सा है, स्पार्ज्ड, स्पार्ज्ड टैंक बायोरिएक्टर, स्पार्ज्ड टैंक बायोरिएक्टर, स्पार्ज्ड टैंक बायोरिएक्टर या स्पार्ज्ड स्टिर टैंक बायोरिएक्टर। ये स्टूडेंट्स फिर से देखिए दोनों बायोरिएक्टर, ये पहला वाला है सिंपल स्टिर टैंक बायोरिएक्टर और ये बाद वाला है स्पार्ज्ड स्टिर टैंक बायोरिएक्टर। स्पार्ज स्टिर टैंक बायोरिएक्टर बेटर है सिंपल से, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन के एक्सचेंज करने का सरफेस एरिया बढ़ जाता है। नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं, इस डायग्राम पर आ जाइए आप, ये डायग्राम इलेक्ट्रोफोरेसिस का है। इसमें मेन पॉइंट देखिए आप, ये वेल हैं जिसको मैंने पेन से इंडिकेट किया है, ये वेल याद रखिएगा, और ये डीएनए दिखाएं। फर्स्ट वेल का जो डीएनए है वो अनडाइजेस्टेड है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वेल का जो डीएनए है वो डाइजेस्टेड है। तो इसमें डाइजेस्टेड और अनडाइजेस्टेड डीएनए बताना है। फर्स्ट टैंक का डीएनए अनडाइजेस्टेड है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टैंक का डीएनए डाइजेस्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लोनिंग वेक्टर पर देखिए, ये डायग्राम किसका है, क्लोनिंग वेक्टर का, क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर में आरओपी का मतलब क्या है, रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन, पीबीआर 322, पी से क्या होता है प्लाज्मिड, बी से बॉलीवर, आर से रोडिग्यूज, ओरी, ओरी वो प्लेस है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, ओरी वो प्लेस है जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। अगर हम ओरी प्लेस पर एलियन डीएनए जोड़ते हैं तब उसमें भी रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। पीबीआर 322 में
दो सेलेक्टेबल मार्कर हैं। सेलेक्टेबल मार्कर किसके बने होते हैं? एंटीबायोटिक का। ये एम्पिसिलिन सेलेक्टेबल मार्कर और ये टेट्रासाइक्लिन सेलेक्टेबल मार्कर है। एम्पिसिलिन सेलेक्टेबल मार्कर और टेट्रासाइक्लिन सेलेक्टेबल मार्कर। क्वेश्चन ये है कि क्लोनिंग वेक्टर में सेलेक्टेबल मार्कर के रूप में किसे यूज़ करते हैं? सेलेक्टेबल मार्कर के रूप में किसे यूज़ करते हैं? एंटीबायोटिक को। एंटीबायोटिक एग्जाम्पल के तौर पे एम्पिसिलिन क्लोरामफेनिकॉल, एम्पिसिलिन क्लोरामफेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन कैनामाइसिन। नेक्स्ट पॉइंट पीएसटी फर्स्ट, बताइए क्या चीज़ें? पीएसटी फर्स्ट क्लोनिंग साइट है। पीएसटी फर्स्ट क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम है जो इसे यहाँ से ओपन करता है। देखिए ये जो हमने दिखाए हैं, ये पीएसटी फर्स्ट, पीवीयू फर्स्ट, इक्वार्वन फर्स्ट, सीएलए फर्स्ट, हिन थर्ड, बीएमएच वन, साल फर्स्ट और पीवीयू सेकंड, ये सब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम की क्लीव साइट्स हैं। क्लीव साइट्स हैं। इस वाले क्लोनिंग वेक्टर में एट क्लीव साइट्स दिखाई हैं। पहली है पीएसटी फर्स्ट, दूसरी है पीवीयू फर्स्ट, इक्वार वन, सीएलए फर्स्ट, हिंद थर्ड, बीएमएच वन, साल फर्स्ट और पीवीयू सेकंड। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम स्पेसिफिक साइट पर ही डीएनए को क्लीव करते हैं, डीएनए को कट करते हैं। जैसे पैलिंड्रोमिक डीएनए है जी ए ए, पैलिंड्रोमिक डीएनए कौन सा है? जी ए ए और टी टी सी। इसे अगर हमें ओपन करना है तो हमने कौन सा एंजाइम लेंगे यहाँ पे? इको आर वन। तो इको आर वन जहाँ क्लीव कर रहा है, यहाँ पे सीक्वेंस क्या है? जी ए। देखिए इस तरह से है ये जी ए ए, तो इको आर वन क्लीव कर रहा है ये जी और ए के बीच से। अगर इसको हम पूरा बनाएं तो ये ऐसे बन जाएगा, देखो जी ए ए, और इसके सामने इधर लिखेंगे हम जी ए ए, इधर आ जाएगा टी टी सी और इधर आ जाएगा सी टी टी। तो इसे क्लीव करता है बिटवीन द जी एंड ए, बिटवीन द जी एंड ए। फिर समझिए पी बी आर, पी से प्लाज्मिड, बी से बॉलीवर, आर से रोडिग्यूज। सेलेक्टेबल मार्कर के द्वारा हम रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं। ये डायग्राम पैलिंड्रोमिक डीएनए का है और इसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहे हैं हम। ये सब पैलिंड्रोमिक डीएनए है। देखिए आप जी ए ए टी टी सी, जी ए ए और टी टी सी। पैलिंड्रोमिक डीएनए वो होता है जिसमें न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस दोनों हेलिक्स पर सिमिलर होता है। इको आर वन इसे क्लीव करता है जी एंड बी के बीच से। पैलिंड्रोमिक डीएनए जी ए ए टी टी सी को इको आर वन कट करता है जी और ए के बीच से, जी और ए के बीच से। देखिए इसे इसने कट कर दिया और बाद में से हमने क्या जोड़ दिया इसमें? रिकॉम्बिनेंट डीएनए से बना लिया। ये डायग्राम रिकॉम्बिनेंट डीएनए का है, ये डायग्राम पैलिंड्रोमिक डीएनए का है और ये शो कर रहा है कि इसे इको आर वन यहाँ से ओपन कर रहा है। डियर स्टूडेंट्स पहचानिए रेड डीएनए कौन सा है? रेड ये वेक्टर डीएनए है। ये कौन सा डीएनए है? वेक्टर। और ये एलियन डीएनए, फॉरेन डीएनए, इसको याद कीजिए ना। ये कौन सा डीएनए है? फॉरेन। फॉरेन मीन्स एलियन डीएनए। इस डीएनए का नाम है एलियन, मैंने मार्क किया, देखिए आपको। और इस डीएनए का नाम है वेक्टर, वेक्टर डीएनए। जब हम डीएनए को क्लीव कर देते हैं, ये इसके अनपेयर्ड बेस हैं। अनपेयर्ड बेस को स्टिकी एंड कहते हैं, अनपेयर्ड बेस को स्टिकी एंड कहते हैं, अनपेयर्ड बेस को स्टिकी एंड कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ये डायग्राम देखिए आप किस चीज़ का, ये वाला, ये भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का डायग्राम है। देखो ये वेक्टर डीएनए, वेक्टर डीएनए मीन्स प्लाज्मिड,
इसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम से हमने ओपन किया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम से इसको हमने ओपन किया, ये आपस में ना जुड़ जाए तो हम क्या यूज़ करते हैं, एल्कलाइन फास्फेटेज। यहाँ पे एल्कलाइन फास्फेटेज रखते हैं। देखो हम एग्जांपल, ये प्लाज्मिड है, इसको मैंने ओपन किया, अगर यहाँ पे एल्कलाइन फास्फेटेज नहीं होगा तो ये आपस में जुड़ जाएगा, तो एल्कलाइन फास्फेटेज सेल्फ लाइगेशन को रोकता है। फिर ये देखिए फॉरेन डीएनए, एलियन डीएनए, इस एलियन डीएनए को, इस एलियन डीएनए का जो पार्ट हमें इसके अंदर ट्रांसफ़र करना है उसे यहाँ पे कट किया, सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे रख के रख देते हैं और डीएनए लाइगेज से जोड़ देते हैं। तो तीन एंजाइम ने काम किया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम ने इसको कट किया, एल्कलाइन फास्फेटेज ने इसको आपस में जोड़ने से रोका, और फॉरेन डीएनए को इसके साथ सील किया है डीएनए लाइगेज ने, तो ये सील हो गया डीएनए लाइगेज के द्वारा। इसे हम कहेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए, इसे हम कहेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने ई कोलाई में ट्रांसफ़र कर दिया। तो जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ई कोलाई में ट्रांसफ़र करते हैं, ये प्रोसेस कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये बैक्टीरिया ई कोलाई डिवाइड करता है, जब डिवाइड करता है तो नई सेल बनेगी, उस नई सेल में भी रिकॉम्बिनेंट डिवाइड हो जाता है। इस तरह से रिकॉम्बिनेंट ई कोलाई जब डिवाइड होंगे तो जो नए ई कोलाई बनेंगे वो भी कैसे होंगे, रिकॉम्बिनेंट होते हैं। तो ये डायग्राम किसका है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, ये डायग्राम है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। ईएफबी की फुल फॉर्म बताएं, ईएफबी बोलिए, ईएफबी की फुल फॉर्म यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम को डिस्कवर्ड किसने किया था, हु डिस्कवर्ड द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम, आर्बर स्मिथ नेथन, आर्बर स्मिथ नेथन्स। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम का नाम बताएं, सबसे पहला वाला, फर्स्ट हिंद, सेकंड हिंद, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्बर्ट बोयर स्टैनले कोहेन ने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन कहाँ से लिया था, हर्बर्ट बोयर स्टैनले कोहेन ने सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को डिस्कवर्ड किया था, इन्होंने एंटीबायोटिक जीन को ह्यूमन के इंटेस्टाइन में ट्रांसफ़र किया था, ये बताओ एंटीबायोटिक जीन को लिया कहाँ से था, ट्रांसपोसोन, कहाँ से लिया था, ट्रांसपोसोन से लिया था। इन्होंने किस बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को ई कोलाई में ट्रांसफ़र किया था, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के प्लाज्मिड को रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड में कन्वर्ट करने के बाद ई कोलाई में ट्रांसफर कर दिया था। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के प्लाज्मिड में जोड़ा था और रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्बर्ट बोयर स्टैनले कोहेन ने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को ह्यूमन इंटेस्टाइन में कौन से बैक्टीरिया के द्वारा ट्रांसफ़र किया, कौन सा वेक्टर था, ई कोलाई, लेकिन इस ई कोलाई के, इस ई कोलाई में जो प्लाज्मिड था वो साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का था और उस प्लाज्मिड में एंटीबॉडी रेजिस्टेंट जीन को जोड़ दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मिड किसे कहते हैं, बताओ भाई प्लाज्मिड किसे कहते हैं, प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में क्रोमोसोमल डीएनए के अलावा एक डीएनए और होता है, वो डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर होता है,
उस सर्कुलर डीएनए को कहते हैं हम प्लाज्मिड। तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए को प्लाज्मिड कहते हैं, और प्लाज्मिड क्रोमोसोमल डीएनए से, बैक्टीरिया के क्रोमोसोमल डीएनए से लगभग 1000 टाइम छोटा होता है, और प्लाज्मिड में एफ फैक्टर, आर फैक्टर, कोल फैक्टर होते हैं। प्लाज्मिड सेल्फ रेप्लिकेट कर लेता है, और प्लाज्मिड बैक्टीरिया के अंदर रेप्लिकेट करके 15 से 100 मतलब 15 to 100 डुप्लीकेट कॉपीज बना लेता है अपना, ठीक है, 15 से 100। इसलिए हम प्लाज्मिड का यूज़ जीन क्लोनिंग में भी करते हैं, इसलिए प्लाज्मिड का यूज़ किस में करते हैं, जीन क्लोनिंग में भी कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पैलिंड्रोमिक डीएनए कैसे करते हैं। पैलिंड्रोमिक डीएनए में डीएनए के दोनों हेलिक्स पर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस 5' to 3' सिमिलर होता है, चाहे इधर से पढ़ लो चाहे उधर से पढ़ लो, एक जैसा आएगा। जैसे GAA GAA TTC, इसके नीचे क्या आ जाएगा, GAA TTC, इसके नीचे आ जाएगा फिर GAA TTC। पैलिंड्रोमिक डीएनए दोनों तरफ से, दोनों हेलिक्स पर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस सेम होता है। इको आर वन पैलिंड्रोमिक डीएनए GAA TTC को किस प्लेस पर ओपन करता है, अरे बताओ भाई, इको आर वन कहाँ पे क्लीव करता है। इको आर वन मैंने अभी बताया था आपको, बिटवीन द जी एंड ए, तुम्हारे कोर्स में एक ही रेस्ट्रिक्शन एंड एंडोन्यूक्लियर एंजाइम का एक्सप्लेनेशन है, तो वही याद कर लो कि इको आर वन पैलिंड्रोमिक डीएनए को जी और ए के बीच से कट करता है, बिटवीन द जी एंड ए। नेक्स्ट, अगर डीएनए के सेल्फ लाइगेशन को रोकने के लिए हम कौन सा एंजाइम यूज़ करते हैं, सेल्फ लाइगेशन प्रिवेंट बाय डीएनए के केस में सेल्फ लाइगेशन प्रिवेंट बाय, आंसर क्या होगा उसका, एल्कलाइन फास्फेटेज का यूज़ रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी में टूल्स के रूप में किया जाता है। प्लाज्मिड को हम ओपन करते हैं ना, वो प्लाज्मिड फिर आपस में ना जुड़े, उसके लिए एल्कलाइन फास्फेटेज यूज़ किया जाता है। तो विच एंजाइम प्रिवेंट द सेल्फ लाइगेशन ऑफ क्लीव्ड प्लाज्मिड, आप आंसर देंगे एल्कलाइन फास्फेटेज। एलियन डीएनए को वेक्टर डीएनए के साथ जोड़ देते हैं, कौन सा एंजाइम यूज करते हैं वहां पे हम, एलियन डीएनए को वेक्टर डीएनए के साथ हम जोड़ देते हैं तो कौन सा एंजाइम यूज करते हैं, डीएनए लाइगेज। डीएनए फ्रैगमेंट्स को आइसोलेट करने के लिए कौन से इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ करते हैं हम, डीएनए के फ्रैगमेंट्स को अलग अलग करने के लिए, आइसोलेट करने के लिए कौन से इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज़ करते हैं, एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। व्हाट इज इल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ELUTION, इल्यूशन, ELUTION, इसका मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस के समय डीएनए सेगमेंट को सेलेक्ट करके बाहर निकाल लेना, इलेक्ट्रोफोरेसिस के समय डीएनए सेगमेंट को सेलेक्ट करके बाहर निकाल लेना क्या कहलाता है, इल्यूशन कहलाता है, ELUTION। नेक्स्ट पॉइंट, डीएनए फ्रैगमेंट को हम स्टेन किससे करते हैं, डीएनए फ्रैगमेंट स्टेन बाय इथिडियम ब्रोमाइड से इसको हम स्टेन करते हैं। क्लोनिंग वेक्टर में सेलेक्टेबल मार्कर रूप में किसे यूज़ किया जाता है,
या इस तरह से हम क्वेश्चन पूछें आपसे कि बॉलीवर और रोडिग्यूज ने क्लोनिंग वेक्टर में किस केमिकल को सेलेक्टेबल मार्कर के रूप में यूज किया था? एंटीबायोटिक, कौन सी एंटीबायोटिक है? एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन, क्लोरामफेनिकॉल। एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, कैनामाइसिन, क्लोरामफेनिकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीबीआर 322 में आरओपी की मीनिंग क्या होती है? आरओपी, रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन, रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन। पीबीआर 322 में कितनी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस साइट्स हैं? हाउ मेनी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस साइट्स इन क्लोनिंग वेक्टर 322? 8 हैं। कितनी है? 8। टोटल कितनी है? 8 हैं। अगर हम पीएसटी फर्स्ट गिनना शुरू करें तो पीएसटी फर्स्ट, पीवीयू फर्स्ट, इक्वार्मन फर्स्ट, सीएलए फर्स्ट, हिंद थर्ड, बीएएमएच वन, साल फर्स्ट और पीवीयू सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर में कितनी स्टेप्स होती हैं बताइए? मैंने भी बताया था पीसीआर में कितनी स्टेप्स होती हैं? डीनेचुरेशन, एनिलिंग, एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन। पीसीआर की एक साइकिल में डीएनए डबल हो जाते हैं क्योंकि एक से दो बन जाते हैं, ठीक है। 30 साइकिल में कितने डीएनए बन जाएंगे? 30 साइकिल में, 30 साइकिल में 1 बिलियन, 30 साइकिल में 1 बिलियन डीएनए बन जाएंगे, ठीक है। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की 30 साइकिल में 1 बिलियन डीएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इसलिए पीसीआर को जीन क्लोनिंग के रूप में भी यूज़ किया जाता है और पीसीआर को मॉलिकुलर डायग्नोसिस में भी यूज़ करते हैं हम। पीसीआर जीन क्लोनिंग में यूज़ करते हैं, पीसीआर को मॉलिकुलर डायग्नोसिस में भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रोफोरेसिस में कौन सा जेल यूज़ करते हैं हम? एग्रोस जेल। कौन सा करते हैं? एग्रोस जेल करते हैं। जीन ट्रांसफ़र, वो कौन सी गन है जिससे हम जीन ट्रांसफ़र करते हैं? वो कौन सी गन है जिससे जीन ट्रांसफ़र करते हैं? बायोलिस्टिक गन, बायोलिस्टिक गन। और बायोलिस्टिक गन में गैस के फॉर्म में तो हीलियम का यूज़ करते हैं और हाई स्पीड मॉलिक्यूल के फॉर्म में यूज़ करते हैं हम गोल्ड या टंगस्टन, गोल्ड या टंगस्टन यूज़ करते हैं। जीन को माइक्रोपिपेट से भी ट्रांसफ़र कर देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कॉम्पिटेंट सेल बनाने के लिए कौन सा डाइवेलेंट यूज़ किया जाता है? विच डाइवेलेंट यूज्ड टू फॉर्म द कॉम्पिटेंट सेल? कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हमें बैक्टीरिया से डीएनए को आइसोलेट करना है तो कौन कौन से एंजाइम यूज़ करेंगे? अगर हमें बैक्टीरिया से डीएनए निकालना है तब हम कौन कौन से एंजाइम यूज़ करेंगे? तो बैक्टीरियल सेल वॉल को डिसॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं हम लाइसोजाइम, बैक्टीरियल सेल वॉल को डिसॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं लाइसोजाइम। बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में आरएनए भी है और राइबोसोम भी है। आरएनए को रिमूव करने के लिए आरएनए एज एंजाइम लेते हैं, आरएनए एज, और राइबोसोम को रिमूव करने के लिए राइबोन्यूक्लिएज, राइबोन्यूक्लिएज, और प्रोटीन को रिमूव करने के लिए प्रोटीएजेज या पेप्टाइडेजेज एंजाइम यूज़ करते हैं। अब उसके अंदर बचता है डीएनए, तो डीएनए को पहले प्रिसिपिटेट करते हैं, तो प्रिसिपिटेट करने के लिए क्या करते हैं? चिल्ड एथेनॉल मिलाते हैं और चिल्ड एथेनॉल मिलने पर डीएनए प्रिसिपिटेट हो जाता है और उसको फिर ग्लास रॉड से बाहर निकाल लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, अगर हम प्लांट सेल से डीएनए आइसोलेट कर रहे हैं तब कौन से एंजाइम यूज़ करेंगे? देखिए, प्लांट सेल से डीएनए को आइसोलेट करते समय
सेलुलेज एंजाइम, सेलुलेज एंजाइम और सेलुलेज एंजाइम सेल वॉल को रिमूव कर देता है। तब आरएनए को रिमूव करने के लिए आरएनए एज एंजाइम, आरएनए को रिमूव करने के लिए आरएनए एज एंजाइम, राइबोसोम को रिमूव करने के लिए राइबो न्यूक्लियस एंजाइम, प्रोटीन स्ट्रक्चर को रिमूव करने के लिए प्रोटीएज एंजाइम यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन है कि अगर हम प्लांट में डीएनए ट्रांसफर करते हैं तो कौन सा वेक्टर यूज करते हैं, प्लांट में डीएनए को ट्रांसफर करने के लिए कौन सा वेक्टर यूज करते हैं। एटी, एटी का पूरा नाम क्या होता है बताओ, एटी पूरा नाम, एटी का पूरा नाम कैपिटल है स्मॉल टी है, तुमने बड़ा टी लिख दिया, कैपिटल है स्मॉल टी, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, और एटी द्वारा हम डीएनए को ट्रांसफर कर देते हैं प्लांट सेल में, प्लांट सेल में। एनिमल सेल में हम डीएनए को किसके द्वारा ट्रांसफर करते हैं, एनिमल सेल में, एनिमल सेल में डीएनए ट्रांसफर करते हैं रिट्रोवायरस से, एनिमल सेल में डीएनए ट्रांसफर करते हैं रिट्रोवायरस से या मोबाइल जीन से, मोबाइल जीन है रिट्रोवायरस से एनिमल सेल के अंदर डीएनए को ट्रांसफर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीआई प्लाज्मिड ट्यूमर इंड्यूसिंग होता है, टीआई प्लाज्मिड कैसे होता है, ट्यूमर इंड्यूसिंग होता है। नेक्स्ट, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का क्या काम है, व्हाट इज द इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, जब हम डीएनए को सेलेक्टेबल मार्कर, सॉरी जब हम रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियल सेल को, जब रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियल सेल को आइडेंटिफाई ना कर पाए तब हम क्रोमोजेनिक सब्सटेंस का यूज करते हैं। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन द्वारा बीटा ग्लैक्टोसाइडेज को इनएक्टिव कर देते हैं, और जब बीटा ग्लैक्टोसाइडेज इनएक्टिव हो जाता है तब बैक्टीरिया कलरलेस हो जाता है, बैक्टीरिया कलरलेस हो जाता है। तो जिस बैक्टीरिया को हमने रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया में चेंज कर रहे हैं तो उसमें इंसर्शनल इनएक्टिवेशन कर दिया जाता है, तो उसमें इंसर्शनल इनएक्टिवेशन भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए को बी से कट करता है, और एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए को सिरों से कट करते हैं, एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए को सिरों से कट करता है। न्यूक्लियस एंजाइम है ये, तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एंजाइम दो तरह के, एक हो गया एक्सोन्यूक्लियस और दूसरा हो गया एंडोन्यूक्लियस। बैक्टीरिया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्यों सीक्रेट करते हैं, क्यों पैदा करते हैं, बैक्टीरिया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्यों रिलीज करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए को स्पेसिफिक पॉइंट से क्लीव करता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डीएनए को स्पेसिफिक पॉइंट से ही क्लीव करता है, क्लीव मीन्स काट देता है, ओपन कर देता है। नेक्स्ट, अब तक कितने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम पता है, 900 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम पता है, 900 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम मालूम है, और इस 900 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को 230 बैक्टीरियल स्ट्रेन से ऑप्टेन किया गया है, 230 बैक्टीरियल स्ट्रेन से ऑप्टेन किया गया है। अच्छा, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है उसका नॉमेनक्लेचर देखते हैं, इको आर वन, इको वन आर वन क्या है, नॉमेनक्लेचर उसका नाम है, ई से ईश्रिया, अगले दो लेटर क्या है, सी ओ, तो सी ओ को मिला के बोलते हैं कोलाई, कोलाई, उसके बाद क्या है, इको आर वन, आर क्या है, आर है स्ट्रेन, तो इको आर वन में आर वाई 13 स्ट्रेन है, आर वाई 13 स्ट्रेन। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन है, पीसीआर में टैग डीएनए पॉलीमरेज को, पीसीआर में टैग डीएनए पॉलीमरेज को किससे ऑप्टेन करते हैं बताओ भाई, टैग डीएनए पॉलीमरेज को किससे ऑप्टेन करते हैं, पीसीआर में
टैग डीएनए पॉलीमरेज़ को किस से ऑब्टेन करते हैं? ज्यादा क्वेश्चन मेरा पीसीआर में बोलिए, डीएनए पॉलीमरेज़ को किस से करते हैं? देखिए पीसीआर में डीएनए पॉलीमरेज़ जगह हम यूज करते हैं टैग डीएनए पॉलीमरेज़, टैग डीएनए पॉलीमरेज़, और टैग डीएनए पॉलीमरेज़ को हम ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करते हैं किससे? थर्मस एक्विटिकस बैक्टीरिया से, थर्मस एक्विटिकस बैक्टीरिया से, थर्मस एक्विटिकस बैक्टीरिया से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीसीआर में आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, सॉरी पीसीआर में आरएनए प्राइमर है ना, आरएनए प्राइमर रूप में किसे यूज करते हैं? पीसीआर में आरएनए प्राइमर रूप में किसे यूज करते हैं? मैं पॉलीमरेज कह गया था, नहीं हाँ बताइए, पीसीआर में आरएनए प्राइमर रूप में किसे यूज करते हैं? ओलाइगो न्यूक्लियोटाइड को, ओलाइगो न्यूक्लियोटाइड को। इन पीसीआर टेक्नोलॉजी ओलाइगो न्यूक्लियोटाइड यूज्ड एज ए आरएनए प्राइमर, यूज्ड एज ए आरएनए प्राइमर। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट क्वेश्चन, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग किसे कहते हैं? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, देखिए बायोरिएक्टर में रॉ मटेरियल को बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में चेंज करते हैं, तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग किया जाता है। इसमें सेपरेशन होता है और प्यूरिफिकेशन होता है, सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन होता है। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होता है? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में सेपरेशन होता है और प्यूरिफिकेशन होता है। बाकी क्वेश्चन अगली वीडियो में आप देखेंगे।